लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कोलन महिला के गर्भ में नहीं, आंख में पल रहा था बच्चा। ऑक्सीजन पर रखा महिला के गर्भ में नहीं, आंख में बच्चा पल रहा था। प्रसव होने के पहले जब महिला के गर्भाशय की अल्ट्रासोनोग्राफी कराई गई तो बच्चे का कुछ भी अता पता नहीं चला। इसके बाद जब डॉक्टरों ने महिला के पेट की सोनोग्राफी कराई गई तो हतप्रभ रह गए। बच्चा महिला के हाथ में था। NMCH के डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल साइंस में ऐसे केस बहुत कम देखने को मिलते हैं, यह रेयर होता है। डॉक्टरों ने महिला के पेट का ऑपरेशन कर 1.5 किलो के नवजात को बाहर निकाला। बच्चे को ऑक्सीजन पर रखा गया है। डॉक्टरों ने कहा कि NMCH के इतिहास में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। डॉक्टरों ने बताया कि यह मेडिकल साइंस में रिसर्च की बात है। डॉक्टरों ने मंगलवार को बांका के बिलहारा निवासी पिंटू कुमार की 23 वर्षीय पत्नी कविता कुमारी के पेट का ऑपरेशन कर 1.5 किलो का नवजात निकाला है। 4 दिन पहले कविता को NMCH के स्त्री रोग विभाग में डॉक्टर अलका सिन्हा की यूनिट में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर अलका ने कहा कि बच्चे की स्थिति जानने के लिए पहले गर्भाशय की अल्ट्रासोनोग्राफी कराई गई, वहां बच्चा नहीं मिला। इस पर रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने आशंका जाहिर करते हुए महिला के पेट की सोनोग्राफी कराई, वहां बच्चा हाथ में मिला। डॉक्टरों की टीम ने उसकी जान बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन कर बच्चे को निकाला। फिलहाल शिशु को नीकू में डॉक्टर VP जायसवाल की यूनिट में भर्ती कराया गया है। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अलका सिन्हा ने बताया कि बच्चे का पैर टेढ़ा है तथा कुछ देर तक नहीं रोने से उसके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा था। फिलहाल बच्चे को ऑक्सीजन पर रखा गया है। लगभग 2 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में डॉक्टर ज्योति गुप्ता, डॉक्टर अर्चना मिश्रा, डॉक्टर विनीता सहाय, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर अमृता, डॉक्टर विजय कुमार व डॉक्टर मोतीलाल शामिल थे। क्या है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी? एब्डोमिनल प्रेगनेंसी एक ऐसी असामान्य अवस्था है जिसमें शिशु गर्भाशय में न पलकर पेट में पलता है। दुनिया भर में होने वाले 10,000 प्रसवों में से एक में ऐसा होता है। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में भ्रूण गर्भाशय में न इम्प्लांट होकर किसी एक फेलोपियन ट्यूब में होता है, फिर यह शरीर के बाहर बढ़ने लगता है। इस तरह की प्रेगनेंसी असामान्य होती है, यह रेयर है। इसके 2 से 3 कारण हो सकते हैं। आंत में या आंत के बीच में बच्चा फर्टिलाइज हो गया होगा। समय पूरा होने पर बच्चा को ऑपरेशन के जरिए सावधानी बरतनी पड़ती है।